भक्ति सागर चैनल के दर्शकों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, चलो जी लेते हैं, ये जब हम कहते हैं तब जीते जीते हमारा वक्त भी इतना स्पीड से गुजर जाता है, वक्त इतना अपना हाथों से चला जाता है कि 20-25 साल पहले बनी हुई घटना भी हमें लगता है कि कल ही हो गई थी। वक्त के बारे में इंसान ये भी कहता है ना कि आदमी ने वक्त को ललकारा है, आदमी ने मौत को भी मारा है, जीते हैं आदमी ने सारे लोग मगर आदमी खुद से हारा है। तब इंसान ने वक्त से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूं, तो वक्त ने कहा कि धूप हो या छांव हो, काली रात हो या बरसात हो, कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूं, इसलिए मैं जिंदा रहता हूं। तुम भी मेरे साथ चलो और आगे बढ़ो। हमें वक्त की साथ में चलना है, वक्त का हाथ पकड़ के चलना है, निरंतर यात्रा करनी है। पर तब हमारे जीवन में हमें कोई प्रेरणा चाहिए, जो प्रेरणा से हम अपने जीवन को संवार सके, बना सके और अच्छी तरह से जीवन जी सके। एक बार मैं एक बगीचे में बैठा था और उसके मेरे सामने एक 4 गुलाब के सुंदर से गुलाब के फूल खिले हुए थे। मैंने वो डाल से पूछा कि तेरे बदन पे ये 4 गुलाब के फूल खिले हुए हैं, इतने सुंदर हैं, पर इनका भविष्य का क्या होगा? तो डाली ने कहा कि क्या कहूं, एक गुलाब का फूल मेरा कोई प्रियतम अपनी प्रियतमा को देगा और आई लव यू में खो जाएगा। एक गुलाब का फूल कोई नेता के पॉलिटिशियन के कोर्ट में जाएगा, उनका रिसेप्शन के लिए, उनकी बर्थडे के लिए दे देंगे, वो वहां जाके फंस जाएगा। तीसरा गुलाब का फूल कोई मृत्युशैया पे जाएगा और मुरझा जाएगा, पर मुझे विश्वास है कि मेरा एक गुलाब का फूल भगवान के चरणों में अर्पित होगा और नव जीवन प्राप्त कर लेगा। वैसे ये डाली ने कही हुई 4 गुलाब के फूलों की बातें, मुझे लगता है कि हमारे जीवन में भी यही बात हो रही है। या तो हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी इश्क हकीकी में, प्यार मोहब्बत में, लस्ट के पीछे, लव के पीछे हमारी जिंदगी गुजर जाती है। लैला मजनू की बातें, फिल्मी डायलॉग्स की बातें, फिल्मी गानों की बातें, ये सब अच्छी होती है, पर ये लेकर के ही हम हमारी जिंदगी को यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। कभी कभी हमारी जिंदगी के बहुत से साल गुजर जाते हैं। बाद में कुछ पॉलिटिशियंस लोग आते हैं, राजकारणी लोग आते हैं, धर्मगुरु आते हैं, एक प्रभावी लोग आते हैं, वो अपनी शह में हमको ले लेते हैं और अपने उल्लुओं को सीधा करने के लिए हम लोगों को अपने काम में लगा लेते हैं और हम भी वहीं फंस जाते हैं। जीवन का अर्थ नहीं देते, जीवन का साफल्य नहीं दिखाते, मात्र इल्यूजन्स हमारे सामने खड़ा करते हैं। एक वक्त था जब गांधी जी जैसे नेता थे, वो कहते थे करेंगे या मरेंगे, करेंगे तो क्या करेंगे, मरेंगे तो किस लिए मरेंगे, ये ध्येय और कार्यक्रम देने वाले लोग थे। पर आज न तो नेता ऐसे मिलते हैं, न ऐसे अच्छे धर्मगुरु भी मिलते हैं। हमारी जिंदगी यूं ही व्यर्थ हो जाती है, या तो बाद में हम निराशा में पड़े जाते हैं, पेसिमिस्टिक आउटलुक ऑफ लाइफ हो जाता है, और उसके कारण क्या हो जाता है, हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और मृत्युशैया पे जिस तरह से गुलाब का फूल मुरझा गया, वैसे हमारा जीवन मुरझा जाता है। पर अगर हमारे जीवन को हमें खिलाना है, आगे बढ़ाना है, जीवन को यथार्थ करना है, जीवन को सार्थक करना है, तो हमें सबसे अधिक एक ही बात है कि हमें प्रभु के चरणों में अपने जीवन को अर्पित करना चाहिए। प्रभु के चरणों में माने कोई मंदिर की मूर्ति के पास जाकर के, या कोई तस्वीर के पास जाके, या कोई आश्रम में जाकर के, कोई बड़ी मूर्ति वगैरह कोई स्थापना होगी या कोई बड़ी मजार होगी, वहां जाके माथा टेकने से क्या हमारा जीवन बदल जाएगा? सॉरी, हमारा जीवन हमको खिलाना है, बढ़ाना है,
तो हमें ये फूल के अंदर से ही कुछ गुणों को लेना है, उसको यथार्थ करना है। फूल में सबसे बड़ी बात है सुंदरता, दूसरी बात है कोमलता, तीसरी बात है सौंदर्य, अरे कोमलता, सुंदरता, मार्दवता और अंत में मकरंद। इन चार बातों को अगर हम अपने जीवन में लाएं तो हमारा जब प्रभु के चरणों में हम अपना पहला पुष्प अर्पण करते हैं तो हमारी भक्ति की शुरुआत होती है, हमारे कर्म साधना की शुरुआत होती है। हमें सच्चे अर्थ में अगर कुछ करना है तो हमारे जीवन की साधना इस तरह से होनी चाहिए कि जो पुष्प हमने प्रभु के चरणों में अर्पित किया है वैसे ही हमारा जीवन पुष्प, हमारा कर्म पुष्प, हमारा भाव पुष्प प्रभु के चरणों में हम अर्पण कर सके और अपने जीवन को यथार्थ कर सके। ज्ञान से हमें वृद्ध होना है, सुंदरता को निखारना है। एक बार गुजराती में एक शायदा जी ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, वो बहुत अच्छी, मुझे मैं कॉलेज में जब था तब मैंने शायदा जी की कविता पढ़ी थी, ये शायरी मैंने पढ़ी थी कि आदमी को क्या है कि कहीं से सीखना नहीं है, सिर्फ अपना बड़प्पन, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, ये अभिमान रखता है इसलिए हम सीख नहीं पाते हैं। तो एक कवि जो था शायदा जी कहते हैं वो फूल के गुलाब के पास गया और जाकर के फूल के गुलाब को कहने लगा कि वो फूल खिलेला गर्व न कर, तारी हालत बदलाई जैसे, चिमड़ाई जैसे, चगदाई जैसे, रगदोड़ाई जैसे, माने वो फूल खिला हुआ तू कल मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब फूल ने उसको जवाब दिया, अवरनी चिंता करना रा, तारो कहीं तुझने ख्याल न थी। वो कवि को कहता है कि तू दूसरों की चिंता करता है पर तुझे तेरा ख्याल नहीं है, तो कहता है कि अवर की चिंता करना रा, तारो कहीं तुझने ख्याल न थी, अरे तू माटी मही माटी था से, अने तारी लाश ने कीड़ा खाई जैसे, पण मऊ तो मुरझाई जाइस, चगदाई जाइस, पण भट्टी था से, अंतर बनसे, अने अंते मारा गुलाब नी खुशबू फैलाई जैसे। बस हूँ नित्य सवारे उठू छू ने रोज विचारो आवे छे के तू फूल नू जीवन समझी जा, तारू जीवन समझाई जैसे। फूल कहता है कि मेरी तो भट्टी होगी, उसमें से अत्तर बनेगा और मेरी खुशबू फैल जाएगी, पर हे मानव तू तो माटी में माटी के साथ मिल जाएगा और तेरी लाश को कीड़े खा जाएंगे, ये हमारे जीवन का क्या अंत है। पर हमको फूल से प्रेरणा लेनी है कि हमें सुंदर बनना है। आज हमारे जीवन में युक्ता हार विहार से जो गीता ने कहा है, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी हमें सबसे पहले बनानी है। सिर्फ लाली लिपस्टिक लगाने से, सिर्फ मेकअप करने से या चाक चक्के बताने से, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड सूट्स, ब्रांडेड हर चीज पहनने से हमारा व्यक्तित्व बढ़ता नहीं है। हमें इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी बनानी है। अंत सौंदर्य जितना बढ़ेगा उतना बाह्य सौंदर्य बढ़ता है, पर हमारा सारा नजर, हमारी सारी कसरत जो होती है वो सिर्फ हमारा बाह्य सौंदर्य कैसा बढ़े इसके लिए होता है। आदमी मसल्सवान होगा, अच्छा मसल्स होगा, अच्छी बॉडी होगी, फिट होगा, टाइट होगा, हैंडसम दिखता होगा, पर अगर उसके दिल में करुणा नहीं होगी, दूसरों को के लिए कुछ काम करने की तैयारी नहीं होगी और अहंकार की होगा तो वो पर्सनालिटी का कोई काम नहीं है। पर महात्मा गांधी जैसा पतला सा दुबला सा भी आदमी अगर अपना अंत सौंदर्य खिलाता है, अष्टावक्र ऋषि जो हो गए जिसने अष्टावक्र गीता लिखी, अब्राहम लिंकन जो जिनकी पर्सनालिटी फिजिकल नहीं थी, ऐसे लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री जो छोटे थे फिर भी इनका अंत सौंदर्य इतना अच्छा था कि इसके लिए बाह्य सौंदर्य की जरूरत नहीं पड़ी। मैं ये नहीं कहता कि बाह्य सौंदर्य नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए, पर साथ में हमारा अंतर सौंदर्य भी हमें इतना ही बढ़ाना चाहिए। हम अगर अपनी सुंदरता को बढ़ाते नहीं हैं, जब तक हमारे अंदर खून का जो प्रभाव बह रहा है, भगवान जो बहा रहा है, उसकी लालिमा अगर हमारे चेहरे पे दिखती नहीं है और हमारी आंखों में तेज और एक आकर्षण लगता नहीं है तो फिर वो जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। निराशा से जीवन खत्म हो जाता है। पेसिमिस्टिक आउटलुक ऑफ लाइफ हमारी नहीं होनी चाहिए। हमारी जीवन में सबसे बड़ी बात है सुंदरता, ब्यूटी। ये ब्यूटी हमें बढ़ानी है। ये पहला हमको फूल के पास से सीखने को मिलता है।
दूसरा गुण है सौरभ, खुशबू। हमारा जीवन खुशबूदार होना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि एक अगरबत्ती और मोमबत्ती मेरे रूम में, रात को मैं बैठा था, दिया चला गया था, लाइट चली गई थी, इलेक्ट्रिसिटी, मैंने मोमबत्ती जला के रखी और भगवान की प्रार्थना के लिए मैंने साइड में अगरबत्ती भी लगा के रखी थी। अब लाइटें बुझ गई तो मेरे अचानक मेरे कान में ये मोमबत्ती और अगरबत्ती का संवाद कुछ आने लगा। तो मोमबत्ती अगरबत्ती को कहती है कि अगरबत्ती, अरे तू तो कितनी सी धूपसली, तू तो कितनी पतली है, दुबली है, काली है, तेरा तो कोई रूप रंग नहीं, और मैं देखो कितनी गोरी हूँ, कितनी सुहावनी हूँ, कितनी अच्छी लगती हूँ, अरे तेरा प्रकाश तो टमटम है, मेरा प्रकाश तो पूरे रूम को प्रकाश दे रहा है, और मैं तो कितनी अच्छी हूँ करके मोमबत्ती धूपसली के सामने, अगरबत्ती के सामने, धूपसली के सामने अपनी प्रशंसा कर रही थी। और जो धूपसली थी, जो अगरबत्ती थी, वो धूपसली कुछ भी बोलती नहीं थी। अचानक मैंने देखा कि मेरी बारी से एक पवन का जोरदार झोंका आ गया और मोमबत्ती बुझ गई और अगरबत्ती वहीं की वहीं टमटमा रही थी और उसकी खुशबू से सारा वातावरण रूम का भरा हुआ था। हमारा जीवन भी मोमबत्ती जैसा नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन भी अगरबत्ती की जैसा खुशबूदार होना चाहिए। हमारा जीवन तिल तिल तड़के भी जो क्रांतिकारी हो गए, जो धर्म के सच्चे प्रवर्तक लोग हो गए, जो समाज के अच्छे कार्य करने वाले लोग हो गए, जो देश हित में काम करने वाले लोग हो गए, वो लोगों ने अपने जीवन को धीरे 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 अपने कर्म योग के द्वारा जलाते गए, घिसते गए, और उसकी खुशबू को आज भी सालों के बाद हम याद कर रहे हैं। ऐसा जीवन ये गुलाब की सौरभ जो है ना, खुशबू, हमें सिखाती है कि हमें भी धीरे धीरे करके खुशबूदार होना है। हमारे जीवन में खुशबू आती है जबकि हम सच्ची सेवा करेंगे ना, तो खुशबू आती है। हम जीवन में सिर्फ 99% हमारा जीवन जो है वो सिर्फ हम अपने लिए जीते हैं। हमको जीना है दूसरों के लिए, औरों के लिए हमें कुछ काम करना है, कुटुंब के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। अगर ये काम अगर हम नहीं करते हैं और ऐसा ही हम जीवन जी लेते हैं तो जीवन का कोई मतलब नहीं रहता है। तब हमको क्या करना है कि हमारे कुटुंब जीवन से आगे जाकर के समाज जीवन, राष्ट्र जीवन के लिए भी हम समर्पित होंगे, सेवा करेंगे, तो हमको फायदा होगा। मैं एक छोटी सी बात मुझे याद आती है, एक गांव में मैं गया था, मध्यम वर्ग का एक छोटा सा कुटुंब था, वहां गया और जाने के बाद में वो जो मेरे दोस्त थे, वो दोस्त ने मेरे को, बहुत सालों के बाद मैंने उनको देखा और मुझे अपने घर में लेके गए। मेरे दोस्त के दोस्त थे, उन्होंने रेफरेंस दिया था, उनके घर पे मैं गया। घर पे गया तो खाना लगा दिया, अच्छा सा खाना उनकी पत्नी अंदर से बना के देती थी और वो मुझे खाना परोसते थे। बहुत अच्छी खाना खिलाया। मैंने कहा कि ऐसा सौराष्ट्र का खाना तो मैंने आज तक कभी खाया नहीं है। तो बोलते हैं कि हाँ, मेरी पत्नी की रसोई जो होती है ना, वो जो खाद्य पदार्थ बनाती है ना, वो लोग सारे गांव में प्रशंसा करते हैं, इतना अच्छा खाना खिलाती है। तो मैंने कहा चलो आज तो मैं धन्य हो गया। पर मैंने कहा कि आप घड़ी घड़ी जाकर के अंदर जाके किचन में जाके आते हैं तो भाभी जी क्यों नहीं आती है और भाभी जी क्यों परोसती नहीं है? भाभी जी के हाथ से तो परोसना चाहिए ना। तो आप इतना काम कर रहे हो, भाभी जी अंदर है तो कुछ तकलीफ है? तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ऐसा है कि मेरी पत्नी के दोनों पैर नहीं है, जन्म से मेरी पत्नी के दोनों पैर नहीं है, वो चल नहीं सकती, इसलिए वो खाना बनाती है और मैं परोसता हूँ जो भी आज मेहमान आता है उनको, और सारे काम मैंने करता हूँ। तो मैंने कहा कि अरे, आपने ऐसी स्त्री के साथ अपनी शादी की? तो उसने कहा क्या बात है, मैं बचपन से, ये जो मेरी पत्नी है, जब लड़की थी छोटी सी, तब से मैं इसको जानता था, पर मैंने एक ही बात दिमाग में रखी कि मुझे जुवानी में जब अच्छी अच्छी लड़कियों की ये आई, शादी करने के लिए प्रस्ताव आए, तो मैंने उनको ना कह दी, क्योंकि मुझे हुआ कि जो लड़कियों का प्रस्ताव मुझे आया उनको लड़का मिलेगा, पर ये जो लड़की है जिसके दो पैर नहीं है, इससे तो कोई शादी नहीं करेगा, तो इससे मैं शादी करूंगा। और करके उसने, मैंने उससे शादी की। अरे मैं क्या बात करूं,
हम दोनों ने तो साथ में मिलके हमने चार धाम, मैंने वो लड़की को शादी के बाद में, मेरी पत्नी होने के बाद में अपनी कांध पे उठा करके मैंने उनके साथ मैंने चार धाम की यात्रा भी की है और मैंने सारा धर्म क्षेत्र हम लोगों ने साथ में देखा है। तो मैंने ये देख करके मेरे दिल में हुआ कि सचमुच ये जो सौरभ है प्यार की, ये प्यार की सौरभ हमारे जीवन में आनी चाहिए। आज तो हमारा पति पत्नी का जीवन, हमारा कौटुंबिक जीवन तो मुझे लगता है फ्रैक्चर्ड फैमिली जैसा हो गया है। इसे हमें रिपेयर करना है। हम रोज गुलाब को, फूलों को घरों में लाकर के सवारते हैं, फूलदानी में रखते हैं, फ्लावर वॉज में रखते हैं, डेकोरेशन करते हैं, बर्थडे में हैप्पी बर्थडे करके फ्लावर देते हैं। और आजकल तो सच बोलूँ ना तो सच्चे फ्लावर देने की जगह खाली व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे यूं ही हम फ्लावर भेजते रहते हैं। ये दिखावे की दुनिया नहीं है मेरे दोस्तों। अगर हमें कुछ करना है तो फूल की सुंदरता, फूल की मृदुता, फूल की खुशबू और फूल का मकरंद हमारे जीवन में लाना चाहिए। मकरंद ज्ञान से आता है। हमारे जीवन में भी हर बात का अगर हमें सफलता से आगे राजमार्ग बनाना है तो हमें सबसे पहली जरूरत है कि हमें ज्ञान का मकरंद भी लाना चाहिए और मृदुता ये भी हमारे जीवन में जरूरी है। तो ये चारों गुण हम गुलाब के फूलों से या फूलों से अगर हम सीख लें तो मुझे लगता है कि चलो जीते जीते ये फूलों की सुंदरता भी हम लाएंगे, हमारे जीवन को हम सुंदर बनाते बनाते ये देश को, ये जहां को भी सुंदर बनाएंगे और ये गुलशन हमारा खिलता रहेगा और हमारे बाग माँ को हम संवारते रहेंगे। और भगवान इसके लिए हमें सदैव अपनी कृपा दृष्टि देता रहे, यही प्रार्थना करके मैं आज का मेरा ये शब्द पुष्प प्रभु के चरणों में अर्पण करता हूँ और कहता हूँ कि मेरा जीवन पुष्प, मेरे दोस्तों का जीवन पुष्प प्रभु तू खिला देना, उसमें सौरभ दे देना और जीवन को सफल बना देना। अस्तु।